बीती सोमवार की रात में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी निकली बेटी। बेटी ने पहले से ही बना रखा था माता पिता को मारने का प्लान। बेटी ने रात में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भाई को भी मार कर फांसी में लटकाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वह प्लान फेल हो गया। हत्याकांड को अंजाम देकर बॉयफ्रेंड को घर से बाहर भगा दिया। आपको बता दें, शाम को ही बेटी नशीला पदार्थ खाने में मिला चुकी थी, जिसको खाने के बाद भाई को उल्टी हो गई और उसको नशा नहीं हुआ, जिससे उसकी जान बच गई। सुबह होते ही बेटी ने वारदात को गुमराह कर बचने के लिए हत्या का आरोप भाई के ससुरालजनों पर लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। बर्रा थाना क्षेत्र में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मार दिया गया था, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई। इनिशियली दो लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया, जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे, और उनका आरोप ये था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनज़र उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब 1.5 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजदगी गलत है। और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी, तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ है। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था, और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात वो उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। जो लड़का था वो ऊपर छत पे सोया हुआ था। इनिशियली इन लोगों की जो तफ्तीश में आया कि इनकी प्लानिंग थी कि शायद लड़के की भी हत्या कर दें, लेकिन चूँकि बगल की छत जो जुड़ी हुई थी वहाँ पे 3-4 लोग सोए हुए थे, तो ये उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और उसको जो नशीला पदार्थ था और नशीला पदार्थ देने की कोशिश की गई, जिससे कि वो उससे जाते। उसमें 2-3 पहलू इसको करने का प्रयास किया गया। पहला प्रयास ये किया गया कि तीनों की हत्या कर दी जाए, जिससे कि एक और लूटपाट का एक प्रारूप दिया जाए। दूसरा, जब ये नहीं हुआ तो हमने उसकी जो मोबाइल और वो चीज़ को चेक किया, तो उसके अंदर ये भी निकल कर आया कि लड़की ने एक व्हाट्सएप बनाया हुआ था, जिसके अंदर ये उसने स्पष्ट लिखा हुआ था कि उसके मतलब वो माता पिता की तरफ से कि वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका लड़के से विवाद हो गया। तो प्लानिंग, दूसरी प्लानिंग ये थी कि वो जहर से उनकी डेथ हो जाती और लड़का भी जहर खा लेता, तो ये विवाद में इस तरीके से शो करते। और मुख्य रूप से जो चीज़ इसमें निकल कर आई है, इसके अंदर प्रॉपर्टी का ही रीज़न है।